अगर मैं आपको बोलूं कि टिक्की हार्ट शेप में भी होती है तो आप जरूर चौंक जाएंगे। सो हाय गाइस, आई एम निखिल एंड मैं आज आया हूँ सिंधी टिक्की कॉर्नर में, जिसकी टिक्की अपने अलग शेप की वजह से पूरे दिल्ली में बहुत फेमस है। और लोकेशन की बात करूँ तो इस टाइम मैं कर रहा हूँ रामजस रोड में करोल बाग, एंड इसका फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं, इसका प्राइस क्या है एंड इसका टेस्ट कैसा है। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ का मेन्यू। आप देख सकते हैं आलू की टिक्की है, पनीर के पकौड़े हैं, समोसे हैं, इन काफ़ी रीजनेबल रेट हैं। एंड हम यहाँ ट्राई करेंगे इनके आलू की टिक्की, इनके स्पेशल गोलगप्पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि आलू की टिक्की बनती कैसे है। फ्रेंड्स, मेरी टिक्की आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट सी लग रही है छोटी सी टिक्की। अब देखिए उनको पास से लुक, इसका इसकी शेप वाइज कितनी प्यारी है देखने में। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसमें दाल की फिलिंग है, आलू की फिलिंग है, और इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस, देखने में भी कितनी क्रिस्पी लग रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको फील होगा देखने में। देखो कितनी क्रिस्पी लग रही है इसकी, जो आउटर लेयर है कितनी क्रिस्पी है। गाइस, माइंड ब्लोइंग है सच में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट टिक्की है, बाहर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, और इसकी चटनी तो बहुत ही यूनिक है सही में। मैंने तो आज तक ऐसी चटनी नहीं खाई है। हमें यहाँ के ओनर से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए कि इतनी अच्छी है, इसकी चटनी बनाते कैसे हैं। सो आओ चलिए एक बार जरा ओनर से बात करते हैं पहले। गाइस, अब यहाँ के ओनर से बात करते हैं। आप अंकल अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम श्याम है। और कितना टाइम हो गया इस शॉप को? इस शॉप को 58 साल होने वाले हैं। 58 ईयर्स, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ जी। आप अंकल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ की चटनी बहुत ज़ोरदार थी, तो उसमें था क्या, पहले ये बताइए। देखो जी, चटनी बिल्कुल प्योर बनाते हैं, मीठा जो है गुड़ का डालते हैं, और खट्टा जो है अमचूर ड्राई मैंगो, और जितने ग्रीन मसाले हैं, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी नेचुरल चीज़ है, कोई नुकसान नहीं, कोई कलर नहीं, बहुत ज़्यादा ही अमीर है सही में। और ये आपकी जो टिक्की थी, काफ़ी हार्ड शेप की थी, नॉर्मली गोल शेप की होती है। हाँ जी। सो इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया हमारे फादर को आया था, वो बड़े हसमुख टाइप के थे, तो खुश रहते थे। उन्होंने कहा यार अपना एक हार्ट शेप बनाया जाए, मतलब अब दिल तो निकाल नहीं सकते, तो अपना दिल निकाल के टिक्की में डाल दिया। बहुत ही अमीर, इसमें मज़ा आ गया सच में। शुक्रिया, थैंक यू। गाइज, आपने कभी चावल के आटे के गोलगप्पे खाए हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप ये बताइए, बेसिकली है क्या चावल के आटे के गोलगप्पे? इसमें आटा और चावल और पापड़ के आटा मिक्स है, ये बहुत खाने में बहुत क्रिस्पी लगेंगे आपको। थोड़ा एक खा के देखिए आप, ठीक है, दिखाइए। पानी जो है धनिया पुदीना का फ्लेवर है, आम की खटाई है, उसका बना खट्टा किया हुआ है, कोई मिलावट नहीं है, फर्स्ट क्लास पानी। इसमें ना कोई गला ख़राब होने का डर है, ना कोई आई। आपकी चटनी किस चीज़ की बनी हुई है? वो भी आम की खटाई की बनी हुई है। गुड़ की बनी हुई, मीठा के लिए गुड़ डालते हैं, और मतलब खट्टा करने के लिए अमचूर डालते हैं, आम की खटाई जो होती है। सो चलिए गाइस, अब इसको टेस्ट किया जाए। सो गाइस, अब इसको टेस्ट किया जाए। बहुत ही क्रिस्पी है गाइस, बहुत मज़ा आ गया सच में। जो नॉर्मल आटे के सूजी गोलगप्पे होते हैं उनसे तो बहुत क्रिस्पी है, पानी भी बहुत टेस्टी है इसका, तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ गया मुझे। फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग शॉप है, टिक्की एंड गोलगप्पे दोनों ही बहुत यमी हैं, एंड टिक्की की चटनी ने तो मेरा दिन बना दिया। इसके लिए तो मैं एक बार फिर से आ सकता हूँ। टिक्की को मैं दूंगा 9 out of 10, एंड गोलगप्पे को मैं दूंगा 8 out of 10, एंड मेरी तरफ से सिंधी टिक्की कॉर्नर हाईली रिकमेंडेड है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।